हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस तरह का अगर आपको रुपीस का सिंबल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में इंसर्ट कराना हो तो कैसे करा सकते हैं, जैसे मैं यहां पे देखिए लिख रहा हूं 4000। जैसे ही 4000 के बाद यहां पे हटाऊंगा तो यहां पे रुपीस का सिंबल अपने आप इंसर्ट हो जाता है। आमतौर पर यहाँ डॉलर का सिम्बॉल आता है और इसको कैसे इंसर्ट कराना है, आप देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8000। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इंटर करके नीचे आता हूँ तो यहाँ पे ये रुपीज का सिंबल अपने आप लग जाता है। तो ये कैसे इंसर्ट कराया जा सकता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे, उसी की बात करने वाले हैं। तो चलिए ये बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि इसको कैसे इंसर्ट कराना है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसको मिनिमाइज कर लीजिए और आप यहाँ पर मैं विंडोज 10 यूज कर रहा हूँ, जो कुछ भी आप यूज करते हो यहाँ पर आ जाइए और सर्च कर लीजिए कंट्रोल पैनल। तो जैसे ही कंट्रोल पैनल सर्च करेंगे तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल आपको दिख जाएगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। इस तरह से देखिए ये मिनिमाइज नहीं है, आपको ये रीजन वाला जो जोन है इस पे आपको क्लिक करना है। ये जो मेन्यू दिखाई दे रहा है रीजन, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से एक विंडो ओपन होगी। यहां पर मेरे में पहले से इंग्लिश इंडिया दिया हुआ है, आपके में इंग्लिश यूएस या कुछ ऐसे करके दिया होगा। आपको इसमें इंग्लिश इंडिया सर्च करना है और इंग्लिश इंडिया सर्च करके अप्लाई करके और ओके प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो वो जो रुपीज वाला सिंबल है वो अपने आप आना शुरू हो जाएगा। तो कैसे आएगा ये देखिए, अब यहाँ पर अगर मैं कुछ भी लिखूंगा, जैसे कोई भी मैं पेज ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से दूसरा पेज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का नया पेज मैं ओपन करता हूँ और यहाँ से अब मैं इसमें जो भी कुछ लिखना है, जैसे टेबल वन ही रहने देते हैं नाम और आईडी रखता हूँ और यहाँ से रुपी करता हूँ रुपीज, ठीक है। और यहाँ पे करेंसी सिंबल रखूंगा मैं, क्या रखूंगा करेंसी। तो आपको यहाँ पे डेटा टाइप करेंसी ही रखना है और यहाँ से करेंसी रखने के बाद व्यू पे क्लिक करूंगा और व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके प्रेस करूंगा। अब यहाँ रुपीज आप लिखिए कुछ भी, जैसे 500 रुपए मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे देखिए अब रुपये में आ रहा है, तो यहाँ डॉलर्स में आता था, ये तो बाय डिफॉल्ट डॉलर ही सेलेक्ट होता है, आपको वहां से चेंज करना होगा। मैं आपको फिर दिखा देता हूँ आपको करना क्या है। यहाँ से आपको जाना है स्टार्ट बटन पे और यहाँ पे कंट्रोल पैनल सर्च कीजिएगा। कंट्रोल पैनल जैसे ही सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल आपको दिख जाएगा, आपको आना है रीजन में और यहाँ पे रीजन में आने के बाद इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करना है। अगर आपने इंग्लिश यूएस सेलेक्ट कर लिया है या आपके में पहले से इंग्लिश यूएस सेलेक्ट है, यहाँ पे देखिए मैं दिखाता हूँ आपको यूएस, इंग्लिश यूएस या ऐसे कुछ करके होता है यूनाइटेड स्टेट। तो अब अगर मैं अप्लाई कर देता हूँ इसको तो अब हम जो लिख रहे हैं वो हम लिखेंगे तो क्या होगा, ये देखिए डॉलर्स में अपने आप कन्वर्ट हो गया। तो ये डिफरेंस है। अगर मैं फिर इसको वहां पर वहीं से चेंज कर देता हूं, जैसे सपोज कीजिए मैं यहां पे जा करके रीजन में और इसको वापस से इंग्लिश यू इंडिया बना देता हूं तो क्या होगा, यहां पे इंग्लिश इंडिया ही हमें लेना है तो थोड़ा ऊपर जाना होगा, ये रहा इंग्लिश इंडिया, ठीक है। और यहां से अप्लाई करके ओके प्रेस कीजिए और यहाँ पे देखिए जादू, ये फिर जो है रुपीज में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे जो कुछ भी हम लिखेंगे रुपीज में ही ये लिख करके आएगा। तो इस तरह से रुपीज वाला सिंबल हम इंसर्ट करा सकते हैं